त्योहार शुरू हो गया है और त्योहार पर जब तक त्योहार वाला खाना ना बने तब तक मजा नहीं आता। कुरकुरे करारे खस्ता क्रिस्पी क्रंची दिवाली के सबसे स्पेशल स्नैक जिन्हें आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल बजट में घर में ही तैयार कर सकते हैं पूरी शुद्धता के साथ। ऐसी सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके बाद आप बाजार से ये स्नैक्स लेना तो भूल ही जाएंगे। वैसे भी त्योहार पर मिलती है बहुत ही मिलावटी चीजें, तो क्यों ना इन सभी स्नैक्स को आसानी से मिनटों में घर में बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिवाली स्पेशल हलवाई स्टाइल एकदम जबरदस्त टेस्टी शकरपारे बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बर्तन और उसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। अभी इसको तो रख देते हैं अलग और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ग्राइंडिंग जार में यहां मैं ले रही हूं जो नॉर्मल हमारी खाने वाली चम्मच होती है उसके अनुसार मैं इस तरह से 3 चम्मच ले रही हूँ भर के सूजी। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप चीनी। तो ये देखिए एकदम फाइन पाउडर मैंने तैयार कर लिया है चीनी और सूजी का। अब हम आटे में डाल देंगे चीनी और सूजी का मिक्स पाउडर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच नमक। अब सब चीजों को आप हाथ से करिए मिक्स और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे गरम घी। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, 1 चम्मच के करीब बचा लेंगे, जरूरत के अनुसार ऐड करेंगे। और बढ़िया से इस तरह से मसलते हुए घी के साथ आटे को करें मिक्स। जो गोला हमने बनाया है बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है, टूट नहीं रहा है, यानी जितना हमने मॉइन इसमें यूज किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं ले रही हूँ 1/2 कप पानी। पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा लगाएंगे। पूरा 1/2 कप पानी मैंने डाल लिया है। यहाँ पर जरूरी पॉइंट, बहुत ज्यादा आटे को मसल मसल कर नहीं तैयार करना है। अभी आपको इस तरह लग रहा होगा लेकिन रेस्ट के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इसको रख देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। 10 मिनट हो गए हैं, आटे को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, आप देख सकते हैं अब आटा थोड़ा सा और सख्त हो गया है। अब इसको हम एक बार और बढ़िया से मसल कर परफेक्ट कर लेंगे। और इस तरह से बढ़िया से मसलते हुए इसको थोड़ा सा स्मूथ कर ले, बिल्कुल इस तरह, ये देखिए। और इस तरह से एक आप इसका लॉग जैसे बनाएं और इसको कर लें 2 भाग में डिवाइड। ये देखिए परफेक्ट, इसको ढककर रख देंगे एक पीस को अभी। और इस तरह से थोड़ा सा गोल करते हुए अब आप लीजिए एक बेलन और बिल्कुल इस तरह से मीडियम थिकनेस का, ज्यादा पतला बिल्कुल नहीं करेंगे। बस इस तरह से बेलने के बाद ये जो आप रफ एजेस देख रहे हैं ना, यहां से आप इसे कीजिए थोड़ा थोड़ा साइड्स को कट और एक इसका स्मूथ स्क्वायर हम निकाल लेंगे। अब यहां से इसको हम करेंगे इस तरह से लंबाई में कट और फिर यहां से कट कर लेंगे उसके स्क्वायर पीसेस की फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरह से बना करके हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे और सारे ही शकरपारे बिल्कुल इसी तरह से पहले से बनाकर तैयार कर लेंगे फ्राई करने से पहले। मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम पर बढ़िया गर्म कर लिया था। और बस इस तरह से एक करछी पर आप थोड़े शकरपारे डालिए, इससे क्या होगा आपको डालने में ना डर नहीं लगेगा, ना ही कोई ऑयल की छींटे हाथों पर आएंगी। जितनी कढ़ाई में स्पेस हो उस हिसाब से आप एक साथ काफी सारे शकरपारे तल सकते हैं। अब आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, एकदम धीमी आंच पर धीमे धीमे इसको हम फ्राई होने देंगे और एक दो बार इस तरह से उलटते पलटते जरूर रहें जिससे कि जो शकरपारे का कलर है वो सब तरफ से समान आए। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि अभी तो और डार्क करने, क्योंकि निकलने के बाद भी ये और कलर पकड़ लेंगे। सुनी आवाज आपने, अभी ये हल्के से आपको सॉफ्ट फील आएंगे लेकिन जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे ये बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह अपने सेकंड बैच के शकरपारे भी फ्राई कर लेंगे। सुपर क्रिस्पी खस्ता एकदम। तो इस दिवाली आप भी जरूर बनाएंगे खस्ता क्रिस्पी आटे के शकरपारे। खस्तेदार मेथी नमकीन स्टिक बनाने के लिए यहां मैंने ली है 2 कप हरी भरी फ्रेश मेथी। यहाँ पर बस याद रखिएगा कि आपको जो डंठल है यानी डंडियां हैं उन्हें बिल्कुल हटा देना है और इस तरह से बारीक काट लेना है। सबसे पहले गैस पर आप एक कढ़ाई या पैन चलाइए, फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी। गरम घी में सारी जो हमने मेथी अभी काट कर तैयार की ना सब हम इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर मेथी को इस तरह से लगातार चलाते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे यानी पका लेंगे। और ये देखिए मेथी हमारी हो गई है नरम, साथ के साथ जो एक्स्ट्रा इसमें मॉइस्चर था ना वो भी निकल गया है और साथ में कड़वाहट भी चली गई। तो बस इस स्टेज पर गैस को कर देंगे बंद। अब सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बर्तन जिसमें भी आप आटा गूंथते हैं ना बस वही ले लीजिए, साथ के साथ हम लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी।
आधा छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच अजवाइन, एक छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई साबुत काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच सफेद तिल। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारी मेथी जो भी हमने तैयार की। मेथी के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच चीनी का पाउडर। अब यहाँ पर सबसे पहले सारी चीजों को करेंगे बढ़िया से आटे के साथ मिक्स, इस तरह से मसलते हुए। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ दो बड़ा चम्मच घी, पहले मिक्स करेंगे, फिर जरूरत लगेगी तो उस अनुसार थोड़ा सा और ऐड करेंगे। और अब आप बांध के देखिए, ये देखिए परफेक्ट, मैंने हल्के हाथ से ही बांधा है, बिल्कुल टूट नहीं रहा है, एकदम परफेक्ट हमारा मोइन है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक साथ बिल्कुल नहीं, और इसका हम एक टाइट डो यानी कि एक सख्त आटा लगाएंगे। जितना अच्छे से मसल मसल कर गूथेंगे उतनी ही खस्तेदार आपकी मेथी स्टिक्स तैयार होंगी। और ये लीजिए, एकदम बढ़िया से मैंने सख्त आटा लगा लिया है। लगभग 10 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट पर, जिससे जो सूजी वगैरह डाली है ना बढ़िया से सेट हो जाएगी। यहाँ मैं ले रही हूँ दो बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर। अब यहाँ पर इसी के साथ हम डालेंगे तीन बड़े चम्मच घी। अब अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स और इसका एक साटा तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, तो साटा हो गया है हमारा बिल्कुल रेडी। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, आटे को कर लेंगे चेक, कुछ बूंद घी की डाल करके आटे को एक बार और बढ़िया से मसल कर बराबर कर लेंगे। अब आप आटा लीजिए, इसका एक रोल तैयार करेंगे और इसको बिल्कुल बराबर बराबर भाग में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। एक लोई लेंगे, बाकी पीसेस को ढककर अभी रख देंगे और इसको बिल्कुल बढ़िया से प्रेस करते हुए इस तरह से वापस से हम स्मूथ बना लेंगे बॉल। और बॉल बनाकर एक बेलन से बिल्कुल रोटी की तरह पतला बेलेंगे। आप लीजिए थोड़ा इस तरह से हाथ से पूरे पर आप इस तरह एक लेयर पतली हम लगा देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ये लीजिए, अब ये वाला जो फोल्ड है इसको हम करेंगे यहाँ पर बिल्कुल इस तरह आधा आधा डिवाइड कर लीजिए, और ये वाले फोल्ड को इस तरह बीच में, ठीक है। यहाँ से आप इसको बंद कीजिए। अब वापस से जो साटा है वो इसके ऊपर भी लगा देंगे। अब इस तरह बना करके ये पोर्शन यहाँ पर लाइए, इसका हमें बनाना है एक स्क्वायर जैसा, और ये पोर्शन यहाँ। अब थोड़ा सा कीजिए आटा या कॉर्न स्टार्च हल्का सा डस्ट और इसको वापस से इसी तरह बेलेंगे स्क्वायर फॉर्म में। वापस से इस तरह बेलने के बाद आप लगाइए साटा, इस तरह लगा करके यहाँ से उठाइए, इसको हाफ यहाँ फोल्ड कीजिए और हल्का सा एक लेयर साटा लगाने के बाद ये वाला पोर्शन इसके ऊपर उठाइए। एकदम आसान तरीका बता रही हूँ आपको। और थोड़ा सा ना इसको लंबा कर लेंगे बिल्कुल जेंटली हल्के हाथ से, और लीजिए इस तरह बेल कर देखिए, परफेक्ट। बस अब आप लीजिए एक नाइफ और इसकी देखिए इस थिकनेस की, ज्यादा ना मोटी ना ज्यादा पतली, इस तरह से हम इसकी स्टिक्स कट कर लेंगे। तो सारी लोई से हम बिल्कुल इसी प्रकार मेथी स्टिक्स तैयार करेंगे। पहले ऑयल को करेंगे लो फ्लेम पर हल्का गरम। अभी ऑयल हल्का गरम हो चुका है, फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर हल्के गरम तेल में धीमी धीमी आंच पर हम सारी ही मेथी स्टिक को करेंगे फ्राई। और अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जब इसके ऊपर की क्रस्ट सिक जाएगी तब उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे। अब एक चम्मच से आप धीरे धीरे मठरी को उलट पुलट कर दें, ये देखिए कितनी मस्त दिख रही है, बिल्कुल बढ़िया गोल्डन कलर आने तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप इसकी ढेरों पड़ते हैं, बहुत ही बढ़िया हमारी मेथी स्टिक तैयार हुई है। तो बस इस स्टेज पर सबको निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा भी गोल्डन नहीं करेंगे, तो सभी को निकाल लेंगे और बाकी बैच को भी बिल्कुल इसी प्रकार फ्राई करेंगे। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी खस्ता करारी बहुत बहुत टेस्टी मेथी स्टिक नमकीन। गेहूं के आटे की कुरकुरी करारी मसाला पापड़ी। एक कप गेहूं का आटा, सिंपल वही आटा जिससे हम रोज में अपने रोटी पराठे बनाते हैं। ये मैं ले रही हूँ आधा कप सूजी, मान के चलिए 5 बड़े चम्मच के करीब मैंने सूजी ली है। सूजी आप यहाँ फाइन वाली लें, इससे जो आपकी कचौड़ियां यानी नीचे का जो हम बेस बना रहे हैं वो एकदम जबरदस्त खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, साथ ही इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ, आधा छोटी चम्मच डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इस तरह से जो ड्राई वाली आती है ना रगड़ कर इस तरह डाल दें। साथ ही इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच ऑयल मोइन के लिए, जिससे कि एकदम खस्ता हमारी कचौड़ी पापड़ी तैयार हो। अब सभी चीजों को अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स।
बिल्कुल इस तरीके का सख्त आटा मैंने लगा लिया है, अभी सूजी भी डाली है तो वो भी पानी अब्सॉर्ब करेगी तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं। आटे को इस तरह से लंबा रोल कीजिए, इसको हम करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड। इस तरह से लोई बना करके बेलन पर लगाइए थोड़ा सा ऑयल और इसको चकले या प्लेटफॉर्म पर एकदम पतला हम बेल लेंगे, जैसे पापड़ी के लिए करते हैं एकदम पतला बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको पतला बेल लेंगे। अब आप लीजिए एक फोक और फोक से इस तरह से हम इसमें होल कर देंगे, जिससे कि जब आप कचौड़ी पापड़ी बनाएं तो वो फूले नहीं। अब आप लें कोई भी कटोरी या गिलास या कुकी कटर भी ले सकते हैं, हमें इसको गोल काटना है। किसी से भी आपको मीडियम साइज का, जैसे पूड़ी होती है ना, पूड़ी से थोड़ा छोटा, पापड़ी से थोड़ा बड़ा, ऐसा आपको कट करना है, यानी कचौड़ी जैसा लगना चाहिए वो, पापड़ी से थोड़े बड़े साइज के हमें ये कट करने होंगे। इस तरह से कट करने के बाद जो ये बचा हुआ पोर्शन है ना साइड का, ये सारा हटा लेंगे और इसे वापस अपने आटे में ही मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए पापड़ी मैंने बेल करके कर ली है सारी तैयार, तो चलिए जल्दी से करते हैं फ्राई। हमें कचौड़ी पापड़ी को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, हम सिर्फ मीडियम लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि जो हमारी कचौड़ी पापड़ी है वो अंदर तक सिके, उसमें खस्तापन ना क्रिस्प रहे, वो मुलायम ना पड़े। ऑयल हमारा बढ़िया गर्म हो गया है, अच्छी हीट आ रही है, फ्लेम को अब हम कर देंगे लो मीडियम और धीरे धीरे अब इसमें हम डालेंगे हमारी कचौड़ी पापड़ी। आप देख रहे हैं एकदम से ऊपर नहीं आया, बिल्कुल ऐसा गर्म हमें तेल चाहिए। जब हमारी सारी कचौड़ी पापड़ी ऊपर इस तरह से फ्लोट करने लगे, यानी ऊपर आ जाएं, अब आप एक करछी से उन्हें हल्का हल्का इस तरीके से रोटेट कीजिए। ये लीजिए बहुत ही प्यारा क्रिस्पी गोल्डन कलर आ गया है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी झटपट बनने वाली कुरकुरी करारी मजेदार मसालेदार गेहूं के आटे की पापड़ी। कोई देखकर बोल सकता है कि इतनी करारी और इतनी क्रिस्पी आपने गेहूं के आटे से बनाई है? नई तरह की इंस्टेंट हेल्दी चकली बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप चावल का आटा, 1/4 कप मूंग दाल। सिंपल आप गैस पर एक कढ़ाई या पैन रखें, दाल को हमें करना है ड्राई रोस्ट, जिससे कि वो बढ़िया से उसका मॉइस्चर एकदम खत्म हो जाए, एक बढ़िया उसमें टेस्ट आ जाए, ज्यादा दिन तक हमारी चकली चल जाए। परफेक्ट। तो बस इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर दें, उसको हल्का सा हम ठंडा होने देंगे। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और जब आपकी दाल ठंडी हो जाए तो हम दाल को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसको अब एकदम बढ़िया से पीस कर इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। अब आप लीजिए एक बड़ा बर्तन और उसमें हम लेंगे 1 कप चावल का आटा, साथ ही इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मूंग दाल का पाउडर। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटी चम्मच सफेद तिल यानी सेसमे सीड्स। और चकली को एकदम खस्ता क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें अब हम डालेंगे गरम घी यानी हॉट घी, और घी को इस तरह से फिंगर के बीच में इस तरह रखिए और मसल मसल के अच्छे से पूरे मिक्स में हम कोट कर देंगे, जिससे कि चकली एकदम बराबर बढ़िया बने। और अभी आप देख सकते हैं एकदम क्रम्बली सा आपको आटा लग रहा होगा। साथ ही इसमें हम डाल देंगे अच्छे कलर के लिए 2 पिंच हल्दी, थोड़ा थोड़ा करके डालें, पानी बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए चम्मच से आप इसे मिक्स करें और फिर जितनी जरूरत हो उसी अनुसार पानी ऐड करें। अब आप हाथ से इसका डो तैयार करें और ये देखिए मैंने गर्म पानी से पूरे आटे को गूंथ लिया है। चकली बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है चकली मेकर। सबसे पहले हम इसका सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर को सबसे पहले हम करेंगे ग्रीस, जिससे कि जब इसमें आटा डालें तो वो बिल्कुल चिपके नहीं। और चकली बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है ये स्टार डिस्क, तो ये स्टार मोल्ड हम इस तरह से लगा देंगे। अब इसमें से आप एक हिस्सा लीजिए और उसको इस तरह रोल कीजिए और चकली मेकर के सिलेंडर में हम इस तरह से इसको डाल देंगे, इस तरह से ऊपर तक इसे भरे और ऊपर से इसकी फिट कर देंगे हम पिस्टल। अब आप ले एक बटर पेपर, कुछ बूंद डालेंगे ऑयल की और इसको भी कर लेंगे ग्रीस, और बटर पेपर पर हम बिल्कुल इस तरह धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसको चकली की शेप में राउंड घुमाते जाएंगे और इस तरह से हम इसको यहाँ ब्रेक कर देंगे और ये वाला पोर्शन इसके साथ स्टिक कर देंगे, जिससे फ्राइंग के वक्त ये खुले नहीं, और इस पोर्शन को यहाँ प्रेस कर देंगे। है ना आसान? और इसी तरह से हम प्लेट पर भी बना सकते हैं। आप प्लेट पर थोड़ा सा ग्रीस कर लें और बिल्कुल इस प्रकार आप बना लें। अब आप गैस पर चढ़ाएं कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम कुकिंग ऑयल
ऑयल को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गर्म होने देंगे। कुछ क्षण के बाद चकली हमारी सेट हो जाएंगी, तो बस आप हाथ से ही यूं ही उठा लेंगे और इस तरह से एक चमचे पर रखकर आप धीरे से चकली को ऑयल में डाल दें। फ्लेम को यहाँ बिल्कुल आप लो मीडियम कर दें, चकली को धीरे धीरे फ्राई होने दें। अभी हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे और इसी तरह हम सारी चकली फ्राई करेंगे। तो जब चकली थोड़ा ऊपर आ जाए, हल्की सी फर्म हो जाए, तो एक स्पून या फोक से आप धीरे से चकली को फ्लिप कर दें। परफेक्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं बबल्स पूरे डाउन हो गए हैं, तो बस इस स्टेज पर हम चकली को निकाल लेंगे। ये मैंने प्लेट पर लगा ली एक छलनी और मैं छलनी पर इसको निकाल रही हूँ। जो भी थोड़ा बहुत ऑयल होगा वो नीचे प्लेट पर निकल जाएगा। और इसी तरह हम सेकंड बैच की फ्राई करेंगे। अभी बिल्कुल नहीं छुएंगे, जब हल्की फर्म हो जाएंगी तब हम इसको फ्लिप करेंगे। और आप देख सकते हैं बबल्स बिल्कुल डाउन हो गए और हमारी चकली भी अंदर चली गई है। इसका मतलब ये बढ़िया सिक गई है। वाह, ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी दिवाली स्पेशल इंस्टेंट क्रिस्पी क्रंची खस्ता चकली। बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट शकरपारे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम डालेंगे 500 ग्राम मैदा। कब से बोलूं तो ये लगभग 3 कप के करीब मैंने मैदा ली है। इसमें हम डालेंगे 5 बड़े चम्मच घी, ऐसे मान के चलिए आधा कप, लगभग 125 ग्राम के करीब। यहाँ पर घी आप पहले से पिघला हुआ ले हैं। अब यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चुटकी भर नमक और इस तरह से हाथ से मसल मसल कर मिक्स करेंगे, जिससे कि जो घी है उसका एक एक कण पूरे मैदा में लग जाए। अब आटा गूंथने के लिए यहाँ मैंने लिया है हल्का गर्म पानी और बिल्कुल बढ़िया अच्छे से मसलते हुए आटे को एकदम स्मूथ हम तैयार करेंगे। जितना बढ़िया से आप आटा अच्छे से लगा लेंगे तो जब आप लोई वगैरह बनाएंगे और उससे जब आप कट करेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और ये लीजिए, मैंने आटे को बिल्कुल बढ़िया से गूंथ लिया है और आप देख सकते हैं कि ना ज्यादा सख्त और ना ज्यादा मुलायम। चलिए तो अब आटे को रख देते हैं 10 मिनट रेस्ट पर। एक गीला कपड़ा इस तरह से ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो चलिए आटे को कर लेते हैं चेक। बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। एक बार और अच्छे से इसको मसल लेंगे जिससे बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इसमें से हम इस तरह लंबा रोल करके इसको करेंगे डिवाइड। तो मैंने इसको 6 लोइयों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले आप एक लोई उठाएं, लोई को इस तरह से देखिए प्रेस करते हुए हम एक सार कर लेंगे और इसको मीडियम थिकनेस का हम बेल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का। अब यहां पर आप अपनी मनचाही शेप में कट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर, डायमंड शेप, लंबी स्टिक्स। मैं बिल्कुल वैसे बना रही हूं जैसे हलवाई के आप देखते हैं ना बाजार में, बिल्कुल वैसे ही, ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे। लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया। तो सारे ही शक्करपारे बिल्कुल इसी तरह से कट कर लेंगे। परफेक्ट। तो बस फटाफट करते हैं इसको फ्राई। कढ़ाई में मैंने पहले ही ऑयल को गर्म होने रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। अभी ऑयल बिल्कुल बढ़िया गर्म है और सभी गरम तेल में बस आप इस तरह पलट दें। जैसे जैसे फ्राई होने लगेंगे अपने आप ही अलग होने लगेंगे। अब हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और धीमी आंच पर अपने शकरपारों को धीरे धीरे फ्राई होने देंगे। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 2 मिनट बाद जब ये ऊपर आने लगेंगे तब हम एक स्पून से रोटेट कर देंगे। अब एक स्पून से धीरे से आप इस तरह हल्के हाथ से उलट पलट कर दें, जिससे सब तरफ से समान रंग आए। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया हमारे शकरपारे धीरे धीरे गोल्डन हो रहे हैं और कितने बढ़िया फूलगरिये तैयार हुए हैं। बस हल्का सा और इसमें कलर आने देंगे। बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ज्यादा भी इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि निकालने के बाद गर्माई से ये और रंग पकड़ लेते हैं। तो बस इस स्टेज पर सारे ही शकरपारे हम निकाल लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से सेकंड बैच के भी हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारे शकरपारे अभी भी गर्म है। मैं गर्म में ही आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप इसकी लेयर्स। फटाफट बनाते हैं मीठे मीठे शकरपारे के लिए चाशनी। तो मैंने ले लिया 500 ग्राम चीनी, पूरी डाल देंगे। अब जितनी चीनी ली है उसका आधा हम लेंगे पानी। हाई फ्लेम पर बढ़िया से चीनी को घुलने देंगे और लगातार चलाएंगे। और एक अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। और आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारी बिल्कुल बढ़िया गाढ़ी हो गई है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर देंगे और हमारे जो शकरपारे ठंडे हो गए हैं सारे शकरपारे हम चाशनी में डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट इस तरह से पका लेंगे चाशनी के साथ। गरम चाशनी में जब आप इस तरह से शकरपारे डालकर मिक्स करते हैं तो जल्दी से चाशनी अब्सॉर्ब हो जाती है। और बस गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और गरम में ही अभी कढ़ाई में इस तरह से हम 2-2 मिनट पर इस तरह से शकरपारे को टॉस करते रहेंगे। और बस चाशनी बिल्कुल बढ़िया से कोट हो गई है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। थोड़ी देर इसी तरह ठंडा होने देंगे, प्लेट में निकाल देंगे। और ये देखिए तैयार है हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शकरपारे।
इसी न्यू स्टाइल के नमक पारा बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई। फ्लेम को रखिए यहाँ पर मीडियम। इसमें हम डालेंगे एक कप पानी। पानी में बढ़िया से पहले उबाल आने देंगे और साथ ही यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, दो छोटे चम्मच ऑयल, आधा छोटी चम्मच डाल रही हूँ तिल, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक छोटी चम्मच डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी बढ़िया कलर के लिए। साथ में डालेंगे फ्लेवर देने के लिए एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ करी पत्ता, थोड़ा सा डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया फ्रेशनेस के लिए। अच्छे से सभी चीजों को करेंगे मिक्स और पानी में एकदम बढ़िया से उबाल आने देंगे और आप देख सकते हैं कि पानी में बिल्कुल बढ़िया से बॉईल आ गया है। और लो फ्लेम पर यहाँ मैं डाल रही हूँ एक कप चावल का आटा राइस फ्लोर और धीरे धीरे करके चावल के आटे को हम डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है, चाहे तो थोड़ी देर के लिए आप गैस को बंद कर दें। बिल्कुल बढ़िया से करेंगे मिक्स और बस गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और इस पर हम लगाएंगे एक लिड। लिड लगाकर गैस बंद पर एक मिनट इसी तरह से आटे को छोड़ देंगे। तो चलिए आटे को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। और आटे को हम ट्रांसफर करेंगे एक बड़े बर्तन में और यहाँ पर हमें मिक्स को हल्के गर्म में ही बिल्कुल बढ़िया से डो लगाना होगा, पूरी तरह ठंडा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और राइस नमक पारे को एकदम सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच बेसन, थोड़ा सा हम डालेंगे हाथों पर ऑयल और हाथ ग्रीस कर बिल्कुल बढ़िया से पूरे आटे को एक साथ सॉफ्ट हम लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह से आप 5 मिनट बढ़िया से मसल लें। और ये देखिए मैंने आटे को बिल्कुल स्मूथ इस तरह से गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं। अब मिक्स में से इस तरह से लेंगे एक पोर्शन बड़े साइज का और इस बचे हुए मिक्स को ढक करके रख देंगे। इसको करेंगे ग्रीस। बेलन लेंगे, बेलन को भी हल्का सा ऑयल से चिकना कर लेंगे और इसकी एक मीडियम थिकनेस की हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको पतला बेल लिया है, आप देख सकते हैं। और जो साइड से ना, बस अब हम एक नाइफ लेंगे और नाइफ से इसमें से एक फाइन स्क्वायर पीस निकाल लेंगे, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल इस थिकनेस का एकदम। देखिए आप देख सकते हैं पतला है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक फोक और फोक से इस तरह से हम पहले प्रिक कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसके नमक पारे बनाएं तो वो एकदम से फूले नहीं। और इस तरह से प्रिक करने के बाद कटर से इस तरह हम कट करेंगे, थोड़ा ये साइड भी कट कर देती हूँ, बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से मैं इसमें बना रही हूँ डायमंड शेप, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से भी कट करते जाएंगे। देखिए कितनी सुंदर इसकी डिजाइन लग रही है, मैं एक पीस आपको ना उठाकर दिखाती हूँ। और सारे ही नमक पारे बाइट्स हम इसी तरह तैयार करेंगे और एक प्लेट पर पहले बनाकर रख लेंगे, जिससे हमें बाद में तलने में आसानी हो। और ये लीजिए मैंने सारे ही नमक पारा बाइट्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई में हम बढ़िया से ऑयल को पहले गर्म कर लेंगे और सारे नमक पारा बाइट्स हम इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। ये बहुत आसान तरीका है, अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जब ये हल्के से फर्म हो जाएंगे तब हम चम्मच से इसको रोटेट कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम। और हमारे नमक पारा बाइट्स हल्के से फर्म हो गए हैं, तो एक चम्मच से बस इस तरह से आप रोटेट कर दीजिए, देखिए क्या मस्त। और ये देखिए बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर हमारे नमक पारा बाइट्स पे आ गया है, इससे ज्यादा बिल्कुल इसको डार्क नहीं करेंगे गर्माई से निकालने के बाद ना, और ये कलर पकड़ लेते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर डिजाइन आई है। अब बिल्कुल इसी तरह हम अपने सेकंड बैच के नमक पारा बाइट्स भी फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा कुरकुरा करारा खस्ता मजेदार चाय वाला स्नैक्स है बिल्कुल तैयार। तो देखा आपने ये दिवाली की सबसे स्पेशल मठरी, नीम की शकर पारे कितनी इजीली आप घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी बजट में। और ये इतने टेस्टी बनते हैं, सच मानिए कि बाजार के जो पैकेट्स आप लेते हैं उनसे ये कहीं ज्यादा आपको टेस्टी लगेंगे। फ्रेश बने हुए तो इनके स्वाद की तो बात ही कुछ और है। जरूर बनाइए, मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए आपका इनमें से कौन सा फेवरेट स्नैक्स है दिवाली का और आप इन्हें कब बना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।